डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टेनो स्टोर असिस्टेंट सभी का जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि स्टोर असिस्टेंट में जो आपकी इंग्लिश की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी परसेंटाइल में कट ऑफ है, यूआर में आपकी 98.95, एससी में 97, एसटी में 94, ओबीसी में 98, ईडब्ल्यूएस में 98। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि यार किस तरीके से परसेंटाइल निकाला गया है, क्या क्या चीज़ें रहती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट की जो आपने कट ऑफ देखी है, अगर हम बात करें उसमें आपकी कि भाई किस तरीके से आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया गया, तो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, प्लस वैकेंसी आपकी कितनी है टोटल, ठीक है, और उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी कितनी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज वैकेंसी के हिसाब से आपका परसेंटाइल आता है। और इसके बाद फिर आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे, मतलब 8 टाइम कैंडिडेट्स आपके क्वालिफाई किए जाएंगे। तो इसको मैं समझा देता हूँ, मान लो कि टोटल स्टूडेंट आपके 2000, ठीक है, वैकेंसी मान लो स्टोर असिस्टेंट की 50, आप कैटेगरी वाइज अगर आप देख सकते हो तो भाई 25 आपकी हो गई जनरल में, ठीक है, इसी हिसाब से एक हो गई आपकी, 10 हो गई आपकी ओबीसी में, ईडब्ल्यू, इस तरीके से आपकी हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट्स 8 टाइम क्वालिफाई करेंगे, मतलब 400 कैंडिडेट आपके टोटल क्वालिफाई करेंगे, जिनमें से जनरल के आपके हो जाएंगे 200 कैंडिडेट। अब जनरल का किस तरीके से निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2000 माइनस आपका जो कितने 25 वैकेंसी आपकी जनरल में है ना, टोटल कितना बच्चा क्वालिफाई करेगा 200 जनरल में, बटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर आप इसको कट इसको आप करोगे तो ये आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, देखो 2000 माइनस 200 1800, 1800 भागित आपका कितना आ गया, ये आपका 2000 आ गया, ठीक है, मतलब क्या था कि 1800 भागित आपका कितना हो गया 2000 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, 2 9 18 हो गया, तो 9/10 आ गया। परसेंटाइल के लिए क्या रहता है 100 का, ये कैंसिल कितना आ गया 90% जो है, 90% जो है वो परसेंटाइल जो है वो आपका आ गया। अब ये किस तरीके से पता चलता है, ये आपका पता चलता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या क्या चाहिए होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपको पता होंगे जिन्होंने हर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो वहाँ से आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो परसेंटाइल है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी और आपका कैटेगरी वाइज आपको पता है 8 टाइम्स बच्चे पास किए जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने आपका एग्जाम दिया हुआ था उसके बेस पे सारी चीज़ें जो है वो आप सभी की रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटाइल का जो है वो पूरा है, बाकी जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, आपको हर समझ में आ चुका होगा।